बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार एक बार फिर से रीमेक लेकर आ रहे हैं। उन्होंने जितनी भी फिल्में की वो कहीं ना कहीं से कॉपी ही थी या फिर बायोपिक। अब 15 अगस्त को आ रही अक्षय कुमार की मूवी खेल खेल में भी इटालियन मूवी की रीमेक है। जानिए आप इस मूवी को कहाँ देख सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देख लेना। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं कोमल और आप देख रहे हो स्टूडियो अड्डा। अक्षय कुमार, तापसी पन्नू, वाणी कपूर, फरदीन खान स्टारर फिल्म खेल खेल में 15 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होगी। हाल ही में इसका ट्रेलर रिलीज किया गया जो वाकई मजेदार था। लगा कि कुछ नया देखने को मिलेगा। लोगों ने ये भी कहा कि अक्षय कुमार की इस मूवी से शानदार वापसी होगी, मगर इनकी ये मूवी भी रीमेक है। दरअसल अक्षय कुमार की फिल्म खेल खेल में 2016 में आई इटालियन फिल्म का रीमेक है। इस फिल्म का अंग्रेजी नाम परफेक्ट स्ट्रेंजर्स है। इस मूवी को 8 साल में 26 बार रीमेक किया गया है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड ने भी इसे सबसे ज़्यादा रीमेक की गई फिल्म माना है। 2023 में बताया गया था कि इसके 24 रीमेक बनाए जा चुके हैं। उनकी लिस्ट मैं आपको बताती हूँ कि उनकी रीमेक मूवी के क्या क्या नाम रखे गए हैं। Nothing to Hide, Intimate Strangers, Kill Mobile, Loud Connection और Wild Game शामिल है। अरबी, रोमानिया और जर्मनी जैसी कई भाषाओं में बनी फिल्मों का टाइटल परफेक्ट स्ट्रेंजर्स ही रखा गया। वहीं इस फिल्म को इंडियन मेकर्स ने भी 3 बार अटेम्प्ट किया। कन्नड़ में इसका ऑफिशियल रीमेक बनाया गया जिसका नाम लाउड स्पीकर रखा गया। मलयालम में 12th मैन और तेलुगु में जब बनी तो इसका नाम रखा गया रेची गड्डी पेली, लेकिन क्रेडिट नहीं दिया गया। और अब हिंदी में ये फिल्म बनने जा रही है। इस इटालियन फिल्म को आप Amazon प्राइम वीडियो पर आसानी से देख सकते हैं, जो परफेक्ट स्ट्रेंजर्स के नाम से मौजूद है। हालांकि इसे हिंदी में नहीं देख सकते क्योंकि इटालियन भाषा में ही ये उपलब्ध है, मगर आपकी अंग्रेजी दुरुस्त है तो इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखी जा सकती है। परफेक्ट स्ट्रेंजर्स एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसका डायरेक्शन पाओलो जेनोवेस ने किया है। इटली में ये 11 फरवरी 2016 को रिलीज हुई थी। इसने कई अवार्ड जीते थे जिसके बाद इसे 20 से ज़्यादा देशों में फिर से बनाया गया था। इसकी कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपने अक्षय कुमार की मूवी का ट्रेलर देखा है। 7 करीबी दोस्त एक डिनर पार्टी पर इकट्ठा होते हैं। खाने से पहले एक दोस्त ये कहती है कि अगर वो सभी एक दूसरे के फ़ोन के मैसेज पढ़े तो यकीनन कई कपल अलग हो जाए। इस पर बहस होती है और बाद में वो राजी हो जाते हैं। अब इस दौरान कई बार दोस्त एक दूसरे के मैसेज जोर से पढ़ते हैं जिससे काफी पोल पट्टी खुलती है, मगर पार्टी खत्म होने के बाद सभी नॉर्मल हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अब इस इटालियन फिल्म की चौंकाने वाली बात यह है कि इसका सभी भाषाओं में रीमेक है, लेकिन इसका हॉलीवुड रीमेक नहीं बनाया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि अंग्रेजी भाषा में 2017 में विंस्टीन कंपनी ने खरीद लिए थे, लेकिन कंपनी में आर्थिक तौर पर बड़ा नुकसान होने के कारण इसका प्रोडक्शन लंबे समय के लिए टाल दिया गया था। और अब देखते हैं कि अक्षय कुमार की ये रीमेक मूवी लोगों को कितनी पसंद आती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और ऐसी और भी नई अपडेट्स देखने के लिए स्टूडियो अड्डा को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।